नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। लखनऊ पत्रकारों के साथ जो घटना हुई है या घटना से पत्रकारों में फैला आक्रोश, चौथे स्तंभ को दबाने का किया गया प्रयास। हम आपको ले चलते हैं दिल्ली में, पत्रकारों में काफी आक्रोश देखने को मिला। कल लखनऊ में विधान भवन के अंदर जो घटना पत्रकारों के साथ हुई है उसके लिए पत्रकारों में काफी आक्रोश है। सभी पत्रकारों का कहना है कि यह चौथा स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक पत्रकारों के लिए कोई कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक पत्रकारों के ऊपर हमले होते रहेंगे। मीडिया रिपोर्टर पिंकी पांडे, जो CCN24 है, उन्होंने क्या कहा वहां पर, हमारे मीडिया भाई नीरज, उन्होंने भी पत्रकारों के साथ हो रहे घटना के बारे में बहुत ही दुखद घटना बताया और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब तक पत्रकार एक नहीं हो जाएंगे ऐसी घटना होती रहेगी। वहां पर मौजूद प्रत्येक पत्रकार भाई ने क्या कहा आप सुन सकते हैं। अब देखना यह है कि पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो पत्रकारों के हित की बात करती है या दिखावा है कि सही है, या तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो पत्रकारों पर हमले हुए हैं, एक किसके इशारे पर हुए हैं, उन्होंने पत्रकार पर हमला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, यह दिखाएं हम आपको अगले अंक में। मीडिया रिपोर्टर पिंगी पांडे ने जो पत्रकारों पर हमले हुए हैं उन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया है और उनका कहना है कि पत्रकार को सुरक्षा दिया जाए जिससे पत्रकारों के साथ ऐसी घटना ना घटे। पत्रकार अपनी कलम से सच्चाई लिख सके, सच्चाई लिखने से कोई ना रोके, ऐसी मीडिया की तरफ से मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। पिंकी पांडे खड़ी हुई है, दो पत्रकार हैं और जो है CCN से है। दो कल घटना हुई है विधानसभा के अंदर दो पत्रकारों के साथ, उसके बारे में इनसे पूछते हैं कि जो है पिंकी पांडे जी से, कि ये भी एक जो है पत्रकार है, हमारे साथी भाई हैं, दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या बताएंगे उसके बारे में। एक्चुअली पहले तो ये जो घटना घटित हुई है ऐसा नहीं है कि ये फ्रेश है। आज से पहले भी अगर आप डेटा आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बिहार में तो पिछले साल एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी सच दिखाने के नाम पे। तो ऐसा नहीं है कि पहला ये है, और सरकार इसके ऊपर कदम उठाती भी है, जैसे महिलाओं के कानून के लिए उठाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। पत्रकारों के साथ हमले ऐसे होते ही रहते हैं, जो सरकार के अगेंस्ट दिखाता है उसके ऊपर इस प्रकार से हमले होते ही रहते हैं। मेरा एक सवाल है योगी जी से, योगी जी आप वैसे तो बहुत बुलडोजरबाज बनते हैं, अब कहाँ है आपका बुलडोजर? कल जब पत्रकारों पे हमला हुआ तो कहाँ गया आपका बुलडोजर? आप भी लाना चाहिए ना आपको अपना बुलडोजर यहाँ पे। तो मैं चाहूंगी कि पत्रकारों के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाए जाए, कुछ बनाए जाए उनके हक के लिए, कुछ कानूनों का निर्माण किया जाए, और ऐसे कानून जो बस दिखावे के ना हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके, ऐसे कुछ कानूनों का निर्माण किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम रोहित रिपोर्टर है और मैं दिल्ली से हूँ और जंतर मंतर पिछले 4 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में 4 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे पत्रकार देखे कि जो जंतर मंतर पे ही पिट करके जाते हैं। लोग आते हैं, कोई सवाल उनसे पूछ दो तो जो है कि हाथापाई पे उतारू हो जाते हैं, कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। अरे जब प्रश्न के सवाल के जवाब आप नहीं दे सकते हो तो भाई आप प्रोटेस्ट करने में कैसे आए? पत्रकार जब प्रश्न नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? और अगर प्रश्न पूछ दिया तो उसके ऊपर हाथापाई करेंगे, धक्का मुक्की करते हैं। और अभी जो है आप ताजा मामला देख रहे हैं कि जो यूपी के अंदर लोकसभा के अंदर में, सॉरी विधानसभा के अंदर में जो है कि पत्रकारों के साथ हाथापाई हुई, वहां पर आम पत्रकार तो जा नहीं सकता है? खास पत्रकार ही तो गए होंगे चैनल के, और जिनको परमिशन मिला होगा वही गए थे, फिर उनके साथ में क्यों हुआ भाई? उसके ऊपर जो है कि हाँ बोलिए। मैं ये बताइए कि ये किसी न किसी का इशारा है, कहीं ना कहीं आ रही है, इसमें कमी क्यों नहीं है? सत्ता पार्टी की कमी है? अगर कोई चीज पत्रकार अपने दिखा रहा है तो उसको रोकने के लिए पीटा गया होगा, जैसी बात है। ऐसे मामले हजारों मामले डेली आते हैं भारत के अंदर। चलिए तो इसमें क्या कदम होना चाहिए कि ये रुक सके, ये जो होता है सरकारी मामले हो रहे हैं, इसलिए सरकार को क्या करे? इसलिए सरकार को, प्रदेश सरकार हो केंद्र सरकार हो, इनको मामला को संज्ञान में ले करके और जिसने भी ये चीज किया है उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे पत्रकारों के लिए विशेष
कानून बनाए जाएं और उनको विशेष कानून का जो है कि फायदा मिलना चाहिए। कार्रवाई उन्होंने जो फुटकारों पर हमला हुए हैं इसके बारे में उन्होंने बहुत ही दुखद घटना बताए हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय घटना है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर घटना है, कहीं ना कहीं ये उसे कमजोर बनाता है। जब ये जो पत्रकार हैं, जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारी मीडिया मजबूत नहीं होगी, जब तक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत नहीं होगा, जब तक इस देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, हम चाहे कितनी भी बात करते हों कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं जो ये बोलते हैं, सरकार है, सरकार को कहीं ना कहीं पत्रकारों को सिक्योरिटी देनी चाहिए, उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, उनके हक में कानून बनाने चाहिए। प्रतीक चौधरी, कौन से चैनल से? संवाद वाला। ये बताइए, आप देख सकते हैं जब भी अभी देखते होंगे कि पत्रकारों पर उल्टे आरोप मार दिए जाते हैं, इसके बारे में जो आप बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि काफी बार ऐसा होता है कि पत्रकारों के ऊपर उल्टे केस लगा दिए जाते हैं जब वो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करते हैं। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार को कहीं ना कहीं कानून बनाना चाहिए। जब ये कानून बनेगा कि सभी इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके के जो कृत्य हैं, वो रुक सकते हैं। विधानसभा भवन के अंदर एक मार्शल जाके जो है पत्थर था मार्शल करता था, ये किसका इशारा हो सकता है, किस किस से? मेरे हिसाब से अगर विधानसभा के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बगैर सरकार की सहगे नहीं हो सकता। स्वागत है, आप देख सकते हैं इतनी दुखद घटना हमारे यहाँ घट रही है, पत्रकारों को जो है मारा जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि विधान भवन में मारा गया, ये भी हमारे पत्रकार भाई है, ये अपना पर्चा देंगे, ये आए दिन ये पत्रकारों से तो घटना। मैं नीरज कुमार, नेडमी चैनल से हूँ, पत्रकार हूँ। देखिए कल की जो घटना है यूपी के अंदर विधानसभा के, देश में मेरे ख्याल से पहली बार ये घटना है जो पत्रकारों के साथ में इस तरीके का प्रकरण हुआ है। वहाँ पे तैनात मार्शलों द्वारा बदतमीजी की गई, हाथापाई भी की गई है, जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी ये चल रही है, जो पत्रकार दिखाया जा रहा है। पूरा प्रकरण इस तरीके से जो मेरे संज्ञान में है कि बताया जा रहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर भी होना था शायद, पर मैं इसके बारे में पूरी तरीके से मुझे भलीभांति मालूम नहीं है कि गार्ड ऑफ ऑनर होना था, राज्यपाल भी आने थे, मुख्यमंत्री जाने थे, लेकिन उस दौरान समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुँच गए, और पत्रकार बंधु जो हैं, जो हमारे मीडियाकर्मी हैं, जो हमारे सीनियर लोग भी कह लूँगा उन्हें, वो वहाँ पर कवरेज कर रहे थे, लेकिन इस दौरान बताया गया उनके द्वारा कि वहाँ पर जो तैनात मार्शल थे उनके द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की गई, हाथापाई की गई, उनके माइकों पे हाथ मारा, कैमरों पे हाथ मारा। ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटना में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के ये विशेष अधिकारों का हनन है, पत्रकारों के लिए चोट दिखाने का काम किया गया। आप अभी देखते हैं कि पत्रकारों को जो है मार दिया जाता है, पत्रकार को टारगेट कर दिया जाता है, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल ये चीज़ें हो रही है और ये एक राज्य की बात नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये पूरे देश में चीज़ें हो रही है। पत्रकारों के साथ में टारगेट किया जा रहा है, जब वो सच दिखाने का काम करते हैं उनको धमकी दी जाती है, उनको डराया जाता है, उनको झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की जाती है, और कहीं ना कहीं पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी ये जो है कौशाम्बी में पत्रकारों का मुकदमा जीता दिया गया है। एक जो है अभी बरगढ़ है चित्रकूट जिले में, वहाँ पर अध्यक्ष अपना पत्रकार पर एक प्रधानाचार द्वारा लगाया जा रहा है पैसा मांगने का आरोप। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस तरीके के झूठे आरोपों में पत्रकारों को फंसाया जाता है, जब जब वो सच की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनमें झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, तमाम मुकदमे लगे हुए हैं, टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल सच बात है, ये चीज़ें हो रही है। क्या नाम है? नीरज कुमार। देखिए हमारे सामने नीरज कुमार पत्रकार भाई हमारे सामने है, उन्होंने जो कल ये घटना विधानसभा के अंदर हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की मतलब चापलूसी नजर आ रही है, आपका क्या कहना है? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा, हम पत्रकार बंधु इसकी निंदा करते हैं, सरकार से गुजारिश है हमारी इस मामले संज्ञान लें और जो उचित कार्रवाई हो वो सरकार कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है योगी सरकार पे, ठीक सरकार है, अच्छी सरकार है, पूरा पत्रकारों का जो न्याय मिलेगा यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। मुन्नीलाल जी ये बताइए कि ये जो पत्रकारों के साथ घटना घटित हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये विधानसभा के अंदर जो हुआ है ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है, पत्रकारों में एकता होनी चाहिए, पत्रकार जो है मीडिया का चौथा स्तंभ है, और ये जो है बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी, थैंक यू।